बीते सोमवार से मैग्मा संगठन और यवतमाल जिलाधिकारी के बीच उपजा विवाद तुल पकड़ रहा है। एसएमएस स्वैब टेस्टिंग की प्रक्रिया आज तीसरे दिन भी प्रभावित नजर आई। वही दिग्रस कोविड से बड़ी संख्या में निगेटिव में तब्दील हुए लोगों को डिस्चार्ज दिए जाने से दिग्रस कोविड केयर के तहत फिलहाल 54 पॉजिटिव मामले दर्ज होने की जानकारी मिली। गौरतलब है कि दिग्रस कोविड केयर में 18 और होम आइसोलेशन में 36 लोग शामिल है। महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट यानी मग्म संगठन ने हाल ही में यवतमाल जिलाधिकारी डॉक्टर एमडी सिंह के बर्ताव पर आपत्ति दर्ज की थी। जिलाधिकारी और मैग्मो संगठन के बीच बीते सोमवार से जारी आपसी संघर्ष जारी है, जिसका असर सीधे सीधे स्वैब टेस्टिंग प्रक्रिया पर हो रहा है। दिग्रस शहर से सटे ईसापुर में स्थित कोविड केयर सेंटर में भी स्वैब टेस्टिंग का काम ठप हो चुका है। इस बीच कोविड केंद्र से हाल के दिनों में बड़ी ही संख्या में पॉजिटिव से निगेटिव हुए मरीजों ने कोरोना को मात देते हुए घर वापसी की है। गुरुवार को भी लगभग 8 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद फिलहाल कोविड केयर में 18 और होम आइसोलेशन में 36 होने की जानकारी कोविड केयर के इंचार्ज डॉक्टर अभय गोविंदवार ने दी है। इस दौरान कोविड केयर से घर किन्नौर सही सलामत लौट रहे लोगों ने अपने अनुभव साझा किए है। मायसेल्फ डॉक्टर प्रतीक्षा अंबरकर, ऑन 21 म्हणजे सप्टेंबरला मी पॉझिटिव्ह होते, बट मेडिकल स्टुडंट असताना सुद्धा मी पण थोडी घाबरलेले होते। बट मी जेव्हा आले तेव्हा सगळा स्टाफ, सफाई कर्मचारी सगळ्यांनी खूप जास्त हेल्प केली आणि घाबरायचं काहीही कारण नाही आहे। मला की नाही इथे खूप म्हणजे कसं होमिओपॅथिक औषधाने मला खोकला वगैरे सगळं बसलेलं आहे। सगळ्यात चांगलं औषध ते होमिओपॅथिकच आहे। मला माझा म्हणजे एवढा त्रास होता याचा खोकल्याचा, माझं होमिओपॅथिकने दिलं, मला सरांनीच आणून दिलं होमिओपॅथिक औषध, खोकल्याचं वगैरे ते छोट्या दाण्याचे असतात ते औषधी, त्यांनीच मला खूप फरक पडला। आता मला जरासा सुद्धा खोकला नाही, म्हणून मी सरचे आभार खूप मानतो। फिलहाल दिग्रस तहसील के कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट आई जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में दिग्रस शहर के साथ ही जिले भर की तहसीलों में कोरोना संक्रमण का प्रादुर्भाव मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी से जिले की सुरक्षा का जिम्मा जिस प्रशासकीय खेमों पर है, उन खेमों के मुखिया के बीच इन दिनों जिद, अकड़ और हठधर्म की नूरा कुश्ती चल रही है, जो कि अफसोस की बात है। इन बीच न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।